दिल्ली नगर निगम में शपथ ग्रहण समारोह में आम आदमी पार्टी का जमकर हंगामा। आम आदमी पार्टी का कहना है कि पहले अंडरमैन को शपथ क्यों दिलाई जा रही है, ऐसे पहले कभी नहीं हुआ है। इसी को लेकर बैठक में जमकर हंगामा शुरू हो गया और काफी देर तक ये हंगामा चला। दोनों पार्टी की तरफ से जमकर नारेबाजी भी की जा रही है। खेल शुरू, आप पार्षदों का खून बहाएंगे, सदन में उनकी हत्या कर देंगे, उनकी जान ले लेंगे, इसलिए कि दिल्ली वालों ने बीजेपी को हरा दिया, इसलिए इनको सजा दी जाएगी। ये देखिए, इनके कपड़े फाड़ दिए, देखिए आप, इनको लहूलुहान कर दिया, इनकी गर्दन दबा के मार देंगे इनको। तो क्या कर रही है बीजेपी, क्या संदेश देना चाहती है? और पूरी की पूरी कांग्रेस आज इनके साथ खड़ी हुई है, कंधे से कंधा मिलाकर। उनके सारे पार्षद, उनकी नेता सदन को, नाजिया को हज कमेटी का चेयरमैन बनाने के लिए प्रस्ताव पारित कर दिया एलजी ने, भारतीय जनता पार्टी के कहने पे। और आज सारे मिलके खूनी खेल कर रहे हैं सदन के अंदर। देखिए सर, मैं वहां तुम्हें हरा दिया है जनता ने, दिल्ली की जनता का जनादेश मानो। पहले नॉमिनेटेड मेंबर की शपथ कराने के पीछे सीधी मंशा है कि उनको मेयर और डिप्टी मेयर के लिए वोटिंग राइट देना चाहते हैं, जिनको एक वोट नहीं मिला। नियमता पूरी तरह से गलत है, संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से, एमसीडी के नियमों के हिसाब से। लेकिन सवाल ये उठता है कि मैं वहां मौजूद था, लाखों जनता दिल्ली में वोट दी, कहीं कोई हिंसा नहीं हुई, लेकिन जहां सिर्फ 274 वोटर हैं और मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन चुने जाने हैं, तो जब रहा है? जब बीजेपी के सांसदों की मौजूदगी में खुलेआम हिंसा हो रही है, खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है, हमारे पार्षद का, दो बार के चुने पार्षद का खून बहाया जा रहा है, तो आप क्या कह सकते हैं? आप बताइए मुझे, इसमें इनका क्या दोष है? अब क्या होगी, क्या गुनाह है आगे की, अब क्या प्रक्रिया होगी? नहीं, जो प्रक्रिया है उसका पालन करें। पहले नॉमिनेटेड मेंबर्स की जो शपथ कराने की कोशिश कर रहे हैं उसको रोकें। आप एक बात समझाइए, हंगामा कर शुरू किसने किया, कर कौन रहा है? आम आदमी पार्टी गुंडों की पार्टी है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने जैसे शपथ दिलाना शुरू किया, इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। इनसे कारण पूछने चाहिए, शोर क्यों मचा रहे हैं? और जहां तक कपड़े फाड़ने की बात है, मेरा मानना यह है कि आम आदमी पार्टी में ये प्रचलन पुराना है, ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं। अरविंद केजरीवाल खुद अपने आप को थप्पड़ लगवाते हैं, तो ये इनके जो जीते हुए पार्षद हैं, ये वही विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है ये आज के दिन होना जरूरी था इस तरीके से? मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। मैं फिर कह रहा हूं, शपथ होने दीजिए, शपथ के बाद प्रोसीडिंग शुरू कीजिए। मेयर, डिप्टी मेयर का चुनाव हो, स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स का चुनाव हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इनको हताशा किस बात की, इनको डर किस बात का है? आम आदमी पार्टी को उसका जवाब देना चाहिए। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।